बिहार में इस वक्त अगर कोई खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है पूर्व मंत्री के पिता की हत्या का मामला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह घर से लाश मिलते ही हड़कंप मच गया। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने हत्या की पुष्टि की। बताया जाता है कि जीतन सहनी की उम्र करीब 65 साल थी। हालांकि घटना की वजह का अभी खुलासा नहीं किया जा सका, लेकिन पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 8 घंटों के भीतर मामले में पुलिस पर्दाफाश कर देगी। दरअसल दरभंगा के बिरौल अनुमंडल की अफजल्ला पंचायत के सुपौल बाजार स्थित उनके पैतृक घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर से जीतन सैनी का शव शत विक्षत हालत में बरामद किया गया। बताया कि मुकेश सैनी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं और मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कई सभाओं को संबोधित किया था। मुकेश सैनी की पार्टी ने बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, हालांकि तीनों जगहों पर पार्टी हार गई थी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सैनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल गए थे। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सैनी ने कहा कि पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सीएम से उनकी बात हुई है, उचित कार्रवाई का आश्वासन मिल चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। यह घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। हमारी आत्मा रो रही है। निषाद समाज के लिए यह दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ। बता दें कि जीतन सैनी की हत्या की खबर मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सैनी को फोन किया था और पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। इसके साथ ही डीजीपी को मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दे रखे हैं। वहीं मुकेश सैनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की है और उनके पिता के हत्या की घटना पर दुख जताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने हत्या की खबर को पीड़ादायक बताया और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बिहार सरकार से मांग भी की है। वहीं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना से एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड समेत जांच के लिए अन्य टीमें दरभंगा भेजी गई। इधर मुकेश सैनी के मामा ने दावा किया है कि इस हत्याकांड में गांव के लोगों का ही हाथ है। मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम ने कहा कि पुलिस को मौका वारदात पर से काफी क्लू मिल चुके हैं। कमरे में टेबल से 3 खाली गिलास मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि 8 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मामले में कुक और दूध वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सैनी को धारदार हथियार से हमला करके मारा गया। उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला है। इस लिहाज से पुलिस का यह मानना है कि चोरी का विरोध करने पर सैनी का मर्डर किए जाने की आशंका है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी देहात इसे लीड कर रही है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी गांव में बने घर में अकेले ही रहा करते थे। उनके 2 बेटे मुकेश और संतोष हैं। मुकेश बिहार के पूर्व पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो मुंबई में ही रहती है। मामले की जानकारी देते हुए बिहार के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करने के बाद 2 संदिग्धों को डिटेन कर लिया गया है
और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि घर के अंदर और घर के बाहर पाए गए सबूतों की वैज्ञानिक जांच बहुत बारीकी से चल रही है। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कुछ कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच हो रही है। घर के अंदर 3 ग्लास मिले हैं और उनकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि घर में 3 बाइक पाई गई हैं, पता लगाया जा रहा है ये 3ों बाइक हैं किसकी। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने के लिए कह दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और इसकी रिपोर्ट आने पर यह पता चल पाएगा कि जख्म कितने हैं, हत्या के लिए किस तरह का हथियार इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः घटना को रात में अंजाम दिया गया। बता दें कि जीतन सैनी के घर के पीछे लाल बक्सा भी मिला, साथ ही फेंकी हुई अलमारी में कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। मामले की जांच SIT कर रही है। वैसे पूरे बिहार में PIP पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी के पिता की हत्या से हड़कंप मचा है। निर्मम तरीके से हत्या हो जाने के बाद शासन प्रशासन हथियारों के खोजबीन में जुटा हुआ है और इस पर अब VIP के नेता दवे ज्योति का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने हत्या पर शोक जताया, प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री मुकेश सैनी की Y+ सिक्योरिटी कुछ दिन पहले हटा ली गई, पिता को भी कोई सुरक्षा नहीं मिली थी और दूसरी तरफ राजद समेत तमाम विरोधी दलों के नेता बिहार में जंगल राज को लेकर हमलावर हैं और नीतीश कुमार की कथित सुशासन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। NDA खेमे के जदयू नेता ने इस हत्याकांड को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से इसे जोड़ते हुए अजीबोगरीब दलील दे दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पूरी लिस्ट लिख डाली है। वे लिखते हैं, बिहार में बीते 4-5 दिनों में गोली मारकर की जाने वाली हत्याओं की छोटी सी सूची। बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, कहीं भी, कभी भी, किसे भी, कैसे भी गोली मार सकते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस आतंक राज को ही मंगल राज की मनभावन संज्ञा से अलंकृत करते हैं। JDU सांसद और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि घटनाएं होती हैं और घटना से हमें दुख है। अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल गई लेकिन नीतीश कुमार के रहते अपराधी पकड़ा जाएगा। JDU नेता ने कहा कि घटना से हमें दुख है और इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुकेश सैनी के पिता की हत्या को दुखद बताते हुए कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, जो भी अपराधी है अगर वो पाताल में भी रहेगा तो उसे खोज निकाला जाएगा और उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।